करूंगा। यार ये किस तरह के लोग हैं यार, बदतमीजी बता रहे हैं यार, सीरियसली ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के लिए, इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो डिस्क्लेमर दोबारा पढ़ें। Hey, y'all come look at this. जो बताओ गांव की लड़कियों में शहर की लड़कियों में क्या फर्क है? चलो चलो चलो, गांव की लड़कियों शहर की लड़कियों में वो लड़की लड़की पे डिपेंड करता है क्या फर्क है। अरे कहना क्या चाहते हो, फर्क है आप में क्या फर्क नजर आता है, अच्छी कौन लगती है गांव की या शहर की? अच्छी वही होती है जिसको मतलब सलीका होता है हर चीज का और तमीज होती है, अदब होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शहर की लड़कियां थोड़ी मतलब आपकी तरह की होती है, मेकअप करके बाल खोल के गजब बेइज्जती है। और गांव की लड़कियों को मतलब थोड़ा दुपट्टा वगैरह कवर करके आती हूं। आप इनडायरेक्टली ये कह दो कि शहर की लड़कियां मॉडर्न होती हैं थोड़ी। सही पकड़े हैं। आप ऐसे क्या उन्हें बोला जी, आप ऐसे क्या, सारी लड़कियां अच्छी होती हैं, आप मुझे जो कह रहे हैं। सारी नहीं, शहर की भी कुछ अच्छी होती हैं। शहर की अच्छी भी होती हैं। हाँ जी, पसंद कौन सी हैं भाई? अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी सोचा नहीं इस बारे में। गांव की या शहर की, मैंने ये नहीं पूछा कि आपको कोई लड़की पसंद आई या नहीं। गांव की और शहर की, गांव की ज्यादा सही हो जाए। अम्मी से कहना है कि अम्मी मुझे गांव की चाहिए। अभी मैं अम्मी से कहूंगा तो फिर फ्लैट ही लेना पड़ेगा, उन्हें तो घर से निकाल देना। यही तो कयामत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मैं ठीक ठाक। नाम क्या है? मेरा नाम अच्छा अरसलान। घूमे हुए आप? थोड़ा सा बुखार हुआ लग रहा। आज बुखार भी हुआ था लेकिन मौसम अच्छा हुआ, जरा सही हो रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता सही हो रहा है, चलो अच्छी बात है। सवाल कर लूँ? नहीं। क्यों ना करूँ, मेरी मर्जी। चले आपकी मर्जी, लेकिन मैं करूँगी क्योंकि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं यहाँ पे। मुझे बताएं कि गांव की लड़कियों में शहर की लड़कियों में क्या फर्क होता है? चलो भाई, शहर की लड़कियां जो हैं वो बोलती बहुत ज्यादा हैं, गांव की जो होती हैं वो सादा होती हैं। अच्छा, शहर की लड़कियां कौन सी लड़कियों काफी बोलते हुए देखती हैं? जैसे आप बात कर रही हैं। मैं ज्यादा बोल रही हूँ? आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं, मैं आपको इंटरव्यू दे के पछता रहा हूँ। भैया आप खुद आए थे ना इंटरव्यू देने, मैंने थोड़ी बोला था कि आपको आप इंटरव्यू दें आके। तो अब मुझे नहीं था ना पता कि आप इतना बोलती हैं। नहीं नहीं, आप ये आप गलत बात कर रहे हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मामा पता नहीं आपको कैसे डील करती होंगे, और आपके हस्बैंड ये फंस कैसी है? मेरे हस्बैंड, मेरी तो भी शादी नहीं हुई। आगे जब शादी होगी तभी, तब की बात है ना, तब पछताएंगे वो भी। ये आप बदतमीजी बता रहे हैं बहुत। गलत बात है ना, आप मेरे घर पे जा रहे हैं, मेरे पहले मेरे मामा पे गए हैं, मेरे घर पे गए हैं, उससे पहले आपने कहा कि मैं आपको इंटरव्यू देकर पछता रहा हूँ। आपको तमीज नहीं लड़की से बात करनी? नहीं नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं ना आप, मेरी घर वालों पे जा रहे हैं, पहले मेरी मामा पे जा रहे हैं, अब मेरे मतलब इस तरह नहीं ना करते। बदतमीजी बता रहे हैं आप। बदतमीजी आप कर रही हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं बदतमीजी कर रही हूं? हां जी। औरत से ना बात करने की तमीज होनी चाहिए। तमीज तो होनी चाहिए, लेकिन आपको भी तमीज होनी चाहिए बात करने की। मैंने क्या आपसे बदतमीजी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं क्या करूँ, जैसे आप बात कर रही हैं मैं भी वैसी बात करूंगा। यार ये किस तरह के लोग हैं यार, बदतमीजी बता रहे हैं यार, सीरियसली। तो यार बस यार, आज की मजदूरी में यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह से वीडियो मिलती रहती है। देन फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।